अस्सलाम वालेकुम दुबई। कौन कौन कहां कहां से आया हुआ है? बलूचिस्तान से कौन है? खैबर पख्तूनख्वा से कौन है? सिंध से कौन है? पंजाब से कौन है? ये बताओ पाकिस्तान से कौन है? ये चीज। वेलकम टू एवरीवन फॉर द पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स 2020। और बहुत जबरदस्त चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे यहां पर, एक से बढ़कर एक जबरदस्त। रीमा जी, मीरा जी, ओए होए, मायरा खान और साथ फवाद चौधरी। फवाद भाई, क्या हाल है आपके? मिनिस्टर फॉर साइंस फवाद चौधरी इज ऑल्सो हेयर। सेनेटर फैसल जावेद भी यहाँ पे हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के? वैसे आपस की बात है, मैंने सुना कि फैसल जावेद सब यहाँ पे आए। आप सब जानते होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, और ऑस्टेरिटी की मूव को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करते हुए ये जब रास्ते में आ रहे थे तो उन्होंने बुर्ज खलीफा की तरफ देखा और बेदरेक इनके दिल से निकला कि इतने बल्ब क्यों जलाए हुए हैं इन्होंने। सर, सारों का मसला ये नहीं होता, कुछ रोशन भी रख सकते हैं। मगर बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं हमारे पास, बहुत से लोग हैं हमारे पास। यू गाइस आर गोना लव इट। और हाँ, पता है मुझे, नहीं नहीं, आई नो, कुछ मजबूरियाँ भी हैं मेरी। उस मजबूरी में से एक मजबूरी को मैं यहाँ बुलाने लगा हूँ। मेरे साथ को होस्ट करेंगे वो। तकलीफ तो बहुत है लेकिन बड़ों का एहतराम ज़रूरी है। सो प्लीज़ गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव, वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग एक्टर्स दैट वी हैव। And recently, he has killed every woman in Pakistan with his looks and his performance, Mr. Adnan Siddiqui. Assalamu alaikum. Dubai, kya hal hai aap logon ka? Kaise hain aap log? Khush hain? Pakistan. Kya lag rahe hain aap log? Sab log aage baithe hue kitne khoobsurat lag rahe hain, aur aap piche bhi jo baithe hue bahut khoobsurat lag rahe hain. और आप जो अंधेरों में बैठे हैं वो भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वाह, क्या बात है। हेलो। हाँ अदनान भाई, मैं भी हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे साथ होस्टिंग करें और ही करें। ना ना भाई, करेक्शन करेक्शन, मैं नहीं, यानी तुम नहीं, मैं तुम्हारे साथ होस्टिंग नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ होस्टिंग करोगे। एक ही बात है। एक बात कहाँ से है भाई, ये तुम्हारे जो ना मीठे मीठे प्यारे प्यारे लफ्जों के खेल भाई, ये आजकल के यंग चिकने खूबसूरत एक्टर आ सकते हैं। जिस जमाने का मैं हूँ, उस जमाने के तो ट्रेन के इंजन भी खराब हो चुके हैं भाई। तालियां बजा दे, क्या बहुत फनी बात की है। बोरिंग घटिया जोक, लेकिन देखे जोक तो जोक होता है। नहीं कोई नहीं होता, इधर दिखाओ। अरे भाई, मेरा स्क्रिप्ट है ये। नहीं, ये तुम्हारा स्क्रिप्ट था। क्या मतलब? अब मैं करूंगा ये स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि मैं सीनियर हूं तुमसे। अब लेकिन भाई चुप हो जाओ यार, ये लो तुम, ये 50 धर्म लो और जाके बाहर ट्रॉफी खा लेना, जाओ। हाँ तो ख्वातीन आजाद, जो पहला जोक इन्होंने अपने लिए लिखा था वो ये है कि आप बताइए, अगर हमजा अब्बासी और आयजा खान की शादी हो जाती तो हैशटैग क्या बनता? हैशटैग हैजा। मजे का नहीं है? वाह नान साहब, वाह, 2% के जोक के पीछे 50 दिरहम दे दिए। जिसका काम उसी को साझे। मैंने कभी कोशिश की है गुड लुकिंग लगूं? ना, तो बन भी नहीं सकते इतने बड़े नाक के साथ। अल्लाह का शुक्र अदा करो और माथे पे लिखवाओ कि ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी भी। यार आप चाहते क्या हैं भाई, आप बेइज्जती करने हैं होस्टिंग? यार देखो, मैं चाहता हूँ कि कोई कंट्रोवर्शियल बात करो, कोई डिफरेंसी, मतलब ऐसी बात करो कि लोग बात करें उसके बारे में। मतलब आजकल के तुम होस्ट को नहीं देखते? कौन से वाले? जैसे यासिर हुसैन। यासिर हुसैन ने क्या किया? लो
पहला शो उसने होस्ट किया हाँ? तो लोगों से दाद मांग ली, दूसरा शो होस्ट किया तो लड़की का हाथ मांग लिया, तीसरा शो होस्ट करेगा ना जाने आप सबसे अपने बेटे के हकीके के पैसे मांग ले। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपका हाथ मांग लूं? वो यासिर हुसैन था, उसके पीछे आवाम की सपोर्ट थी, हम हो जाएंगे डिपोर्ट अगर हमने ऐसी कोई हरकत की। तो अहमद भट्ट जैसा कुछ कर लें, हम दोनों को मिला के भी उसका आधा नहीं होते हम। बातें कर रहे हो यार, और तो कुछ सोचो ना, डिफरेंट बात सोचो। और क्या डिफरेंट सोचूं, क्या कपड़े फाड़ के बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाऊं? कपड़े फाड़ने से याद आया, सर्दियां खत्म हुई, रजाइयां फाड़ के कोट बना लिया। मेरा अल्लाह जानता मैं कितनी मुश्किल से फंसा हूं इस वक्त। तो भाई क्यों नहीं सोच रहे हो कुछ कुछ डिफरेंट, कोई तुम्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा मुझे? मतलब कोई ऐसी बात कर दो कि जिसमें यार मेरे भाई आपका मसला क्या है, आप चाहते? देखो मेरा मसला सबसे बड़ा ये है कि ये जो आजकल के अदाकार है ना, हाँ, तीन चार तस्वीरें लेते हैं हाँ, और छा जाते हैं, लाइट लाइट में चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने काम भी किया होता है। नहीं क्या काम किया होता है? किया होता है क्या? होश में हो तुम? मतलब मुझे तुम मुझे बताओ 2019 में इन एक्टर्स ने क्या काम किया, मैं बताओ क्या किया है? किया ही है। अच्छा मुझे बताओ मायरा खान ने क्या किया है 2019 में? मायरा खान ने क्या 2019 में क्या किया? हाँ। ये पाकिस्तान की पहली एक्ट्रेस है जिन्होंने बिलाल अशरफ के डिंपल के साथ साथ उनकी एक्टिंग भी देखी। हाँ, ये तो सही है। अच्छा फवाद खान ने क्या किया? फवाद खान ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया। मोमना मुस्तहसन ने क्या किया? मोमना मुस्तहसन ने 2019 में अपने बाल नीले से पीले कर लिए। वैसे वकार जगह ही बैठा हुआ यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। क्यों? उसने जो कुछ किया है ना बहुत ही खुलेआम किया है, उसकी वजह से हम पहले ही बहुत शर्मिंदा है। अली जफर भी? अली जफर के ऊपर कोई लतीफा नहीं होगा। हैं? वो क्यों? क्योंकि सब कहेंगे लतीफा इन ट्रबल। यार बहुत ही, ये तो देखो वासे भाई माशाल्लाह तुम्हारा एक नाम है, तुमने क्या क्या काम नहीं किए हैं यार, तुमने इतने बड़े बड़ी फिल्में बना दी हैं, स्क्रिप्ट लिख दी हैं, शोज लिख दिए हैं, ये कोई डिफरेंट चीज कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं कर सकते तुम? मुझे नहीं समझ आ रही क्या कॉन्ट्रोवर्शियल चीज करूं मैं यार। तुम कुछ ऐसा करो, आइडिया क्या? तुमने बोटॉक्स कराए क्या? बोटॉक्स? एक्सक्यूज मी, मैं एक पाकिस्तानी एक्टर हूँ, कराया भी हो तो मानूंगा नहीं। बताओ ना। मैं हल्का फुल्का तो सॉरी। किस बात का? ब्रेकिंग न्यूज खातिर आजाद, मैंने दुबई में आप सबके सामने वासे चौधरी को थप्पड़ मार दिया है। वीडियो बनाए, कैमरा निकाले, मीम्स बनाए, फैला दीजिए इसको। आपको आपके वादेन का वास्ता, खुदा के वास्ते ये करिए, अगर नहीं करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा यार, मैं जा रहा हूं। मैं जब तक अपना बोटॉक्स सही करवा के आता हूं, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय सरवत गिलानी एंड फहद।